नमस्कार किशन भाइयों, राकेब एप्पल भाई नासर से स्वागत है जी। दोस्तों अभी जो प्लांट आपको दिखा रहे हैं, आपने बोला था जो आपको मदर प्लांट है जैक फ्रूट का, तो दिखाइए। इससे पहले यही जैक फ्रूट मैंने आपको दिखाया था, तो उस टाइम फ्रूट के साथ थे, और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बगैर फ्रूट की। देखिए पौधा का लगभग ये जगह छोटा होता है तो उसमें फ्रूटिंग लगता है। ये हाइब्रिड है तो इसमें जो है फ्लॉरिंग आया था, फ्रूट भी आया था। जैसे क्या होता है, पौधा का हाइट इतना छोटा है, आप और से देख लीजिए इतना छोटा हाइट है, तो इसमें अगर फ्रूटिंग आपको लगेगा तो इसमें सेट नहीं होगा, है ना, फ्रूटिंग सेट नहीं होगा। हालांकि ये टूट जाएगा। एक कटहल का जो वजन है लगभग, फ्रूट का आपको मालूम है, लगभग 2 किलो 3 किलो, कुछ कुछ जो है 5 किलो के आप भी ऊपर हो जाता है। तो इतना छोटा प्लांट में अगर आप फ्रूटिंग लेंगे तो आपका पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा, पहले तो बात यही है, और दूसरी बात ये है पौधा आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए उसको तोड़ देना चाहिए। और हमें देखिए ये जो पौधा एक देख रहे हैं, ये छोटा वाला है क्योंकि इसमें से हमने फ्रूट रखा था और उसमें हमने तोड़ दिया है, ठीक है। ये पौधा जो देख रही है अभी छोटा हाइट हो गया है, और ये देखिए कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें भी फ्रूटिंग आया था, इसमें भी फ्रूटिंग आए थे। ये दो प्लांट में फ्रूटिंग आने के बावजूद भी इसमें हमने फ्रूटिंग लिया था, मैंने कि फ्रूटिंग आया था इसमें, आने के बाद इसमें हमने रखा था उसको। और ये जो हाइट जो है ये बड़ा हाइट में भी है, ये 3 फीट के आसपास है, इसमें हमने तोड़ दिया था। और ये देखने के बाद कुछ इस तरह से आपको पौधा हो गया हमारा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे। हालांकि अभी तोड़ने के बाद जो है ये देखिए नया नया ब्रांच आपको निकल रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो है नई नई ब्रांच निकलना शुरू हो गया है, और उसको हमने पहले से ही तोड़ दिया था जब फ्लॉरिंग आ रहा था, तो उसी टाइम हमने उसको तोड़ाई किए थे। तो तोड़ाई करने के बाद जो है देख लीजिए वो किस तरह से आपको ये लगभग 3 फीट 4 फीट के आसपास भी कुछ कुछ प्लांट जो है हो गया है। तो आपका पौधा जब तक ऐसा मजबूत वाला पौधा 3-4 फीट का जब हो जाए तब उसमें आपको फ्रूटिंग रखना है। हालांकि इतना छोटा में अगर आप फ्रूटिंग रखेंगे तो पौधा का ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए जिसमें हमने फ्रूट लिया था कितना छोटा हो गया, आप अंदाजा देख सकते हैं। इधर देखिए, अरे ये देखिए पूरा जो है सेटअप आप देख सकते हैं। मैं आपको एक प्लांट नहीं कई सारा प्लांट दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। तो आप जो है इसका फ्रूट जब तक 3-4 फीट का नहीं हो जाता तब तक आप इसमें से फ्रूट मत लीजिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। पौधा का हाइट तो एक तो बात है, हाइट नहीं बढ़ेगा, दूसरे उसमें पौधा का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर ऐसा ही ये पौधा हो जाएगा तो 3-4 जो है 5 फीट के लगभग इसका हो गया है, तो ऐसे ही आपका पौधा तैयार करना है, तो उसके बाद ही आपको फ्रूटिंग लेना है, तभी अच्छा आपको फ्रूटिंग दे पाएंगे। और ये ऑल टाइम जैक फ्रूट है, साल में 2 बार ही होता है इसका, ठीक है। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट ही है, ये ज़्यादा जो है सब्जी वगैरह में चलता ही है, ठीक है। तो ये प्लांट भी हमारे पास आपको हो जाएगा, ये प्लांट ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, हो गया इसका प्लांट। तो ये प्लांट भी अगर आपको चाहिए तो ये पका के खा भी सकते और इसको सब्जी में भी आप इसमें खा सकते, आप मार्केट में भी बेच भी सकते हैं। ये लगभग आपको 2 किलो 2.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है, ठीक है। ये ऑल टाइम जैक फ्रूट का है। और अपना जो है, और एक मैं दिखा देता हूँ अपना जो देसी वाला होता है, वो देखिए कितना हाइट इसका, ये आप देख सकते हैं। ये जो है देसी वाला, इसका पौधा का देख लीजिए कितना बड़ा है इसका, ये हो गया है रूट हो गया, मोटा हो गया। तो और अपना जो है ये थाई वेराइटी है ऑल टाइम, ठीक है। तो ये प्लांट आप अगर चाहे तो हम इससे ले सकते हैं, पूरा ओरिजिनल प्लांट है। और मदर प्लांट आपको सामने दिखा देता हूँ, दिखा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए सब मदर प्लांट है,
मदर प्लांट से ही पौधा तैयार होता है। तो ये प्लांट भी हमारे पास आपको हो जाएगा, ये प्लांट इसका रेडी है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।